तो व्यूअर्स, हम ये इस वक्त जूनागढ़ की तलहटी जिसे कहा जाता है, और आप ये देखिए मीनार सेवा ट्रस्ट, ये धर्मशाला है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, अभी रोपवे की तरफ जाना है, जहाँ जो पर्वत की तरफ जहाँ तीर्थ स्थल है वहाँ के दर्शन होंगे। ये सिर्फ एक झलक आपको दिखाई जा रही है, देखिए पहाड़ की कितनी खूबसूरती है। यहाँ पर जगह जगह पर ये, मुझे लगता है यहाँ का ये मार्केट बहुत अच्छा है। ये देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मिलती है। ये दृश्य देखिए, और सबसे बड़ा दृश्य तो ये बड़ा खूबसूरत मंजर आप ऊपर का देखिए पहाड़ का जो दिखेगा आपको। ये है जूनागढ़ गुजरात, और ये तलहटी जिसे कहा जाता है, और इधर से ब्रोकवे पहाड़ की शुरुआत होगी। सारे दृश्य आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो व्यूअर्स, ये दृश्य है, हम आपको दिखा रहे हैं रोपवे की तरफ हमारा सफर है। रोपवे, ये देखिए रोपवे एंट्री, ग्रीनार रोपवे एंट्री, ये सफर है। और हजार पेड़ी है ऊपर, पहले तो अंबा माता जी का मंदिर आएगा, उसके बाद में भगवान नेमिनाथ जी का है, और उसके भी ऊपर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर भी है। उसमें थोड़ी चढ़ाई और करनी पड़ेगी। पहाड़ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ का दृश्य आप देखते हुए चलिए। ये देखिए लोग बाग आ रहे हैं, सुबह का वक्त है, मौसम बड़ा सुहावना है, अभी तक गुजरात में ठंडी वाली कोई बात नहीं है, गर्मी जैसा थोड़ी फीलिंग है। वैसे मौसम बहुत प्लीजेंट, हम इस मौसम को काफी हद तक प्लीजेंट कहेंगे, न ठंडी है न गर्मी है। और गुजरात राजस्थान ये आप समझ लीजिए मौसम करीब करीब एक सा है, दिल्ली पंजाब राजस्थान उत्तरी भारत का मौसम काफ़ी हद तक ये मैच करता हुआ। और ये दृश्य आप ऊपर का देखिए, बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत शानदार दृश्य आपके बीच ये स्क्रीन पर, काफी सफाई वाला शहर है साहब, यहाँ पे सफाई बहुत अच्छी है। गुजरात वैसे भी डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना क्षेत्र है, जहाँ पर वो तकरीबन 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसका असर तो है। ये देखिए बहुत ऊपर की ऊंचाई है, 10,000 की पेड़ी है। लेकिन रोपवे से सफर करने के बाद में ये देखिए इस ढंग से रोपवे वाला ये जा रहा है, आप देखिए पूरा दृश्य आप देखिए, ये ऊपर चढ़ता हुआ आता जाता हुआ ये दृश्य। ये पिस्ता बादाम, ये दृश्य अभी आपको जो दृश्य दिखेगा रोपवे का, और ये देखिए किस तरह से यस सफर तय हो रहा है एकदम पहाड़ पर जाने का। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेकिंग करते हैं, वो पैदल भी जाते हैं,
लेकिन अधिकांश लोग, ये देखिए वो रास्ता है, मुझे लगता है जो पैदल जा रहे होंगे उनके लिए होगा। नहीं, ये पैदल के लिए नहीं है, यहाँ से भी आप रोप वे के लिए जाओगे। इसकी पहले से ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। टिकट के रुपए कितने लगते हैं प्रकाश जी? ₹700 जाने और आने के पर व्यक्ति के हैं। और ये देखिए ये भीड़ है, ये देखिए उड़ान खटोला, नाम सुना होगा, पहले भी हम नाम सुनते आए हैं उड़न खटोला। ये उड़न खटोला आप यहाँ पे देखिए, ये दृश्य देखिए साहब। सभी लोग आ रहे हैं, दृश्य आप देख लीजिए। और ये देखिए आते जाते, चलो छह लोग, ये उड़न खटोले आते जाते आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, उड़न खटोले आते जाते। ये देखिए यहाँ के जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, ये देखिए उड़न खटोले आते जाते हुए आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इस ढंग से ये सफर हुआ, ये दृश्य देखिए उड़न खटोले आपको एकदम स्क्रीन पे आते जाते दिख रहे हैं। ये देखिए तो व्यूअर्स, अब हम रोपवे की तरफ जा रहे हैं। अगर वहाँ से ये दृश्य, वहाँ से अगर ये दृश्य दिखेगा तो हम आपको दिखाते हुए ले जाएंगे। ये पूरा का पूरा दृश्य कैमरे में आपके सामने, ये देखिए राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व, अंदर का दृश्य। जब बुकिंग के बाद जब आप एंट्री कर रहे हैं, देखिए इतनी भीड़ है। उड़न खटोले से आपको ले जाया जाता है वेनाद पर्वत, जहाँ पर अम्बे माता जी का मंदिर है, भगवान वेनाद जी का मंदिर है। उसके से आपको नीचे उतरना पड़ता है तकरीबन 1000 सीढ़ियाँ, और उसके बाद दत्तात्रेय भगवान जी का भी मंदिर है। तो ये सारा दृश्य आप देखते हैं। ये देखिए पब्लिक इस रूप से कतारबद्ध होकर के अपनी लाइन में खड़ी है। गुजरात जूनागढ़ तलहटी का ये दृश्य है। उड़न खटोले में जाने की प्रक्रिया